नमस्कार। महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी माँ तुलजा भवानी और महाराष्ट्र के जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और सोलापुर के श्री सिद्धेश्वर महाराज की नगरी में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस मौके पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय के शंकर नारायणन जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय पृथ्वीराज चव्हाण जी, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग जहाजरानी ग्रामीण विकास पेयजल और स्वच्छता मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय विद्युत कोयला और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सांसद श्री शरद बंसोडे, श्री रविंद्र गायकवाड़, श्री विजय सिंह मोहिते पाटिल जी मौजूद हैं। हम आप सभी का यहां स्वागत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके करेंगे। हम अपने सभी विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करेंगे कि दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज का दिन दीपक से प्रार्थना का दिन है कि हमें प्रज्वलित करे, हमें रोशन करे, हमें प्रकाशवान करे और भारत की धरती को, महाराष्ट्र की धरती को प्रकाशवान करे। सभी माननीय अतिथियों से निवेदन कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम निवेदन करेंगे केंद्रीय विद्युत मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी से कि वो सर्वप्रथम स्वागत भाषण दें। माननीय श्री पीयूष गोयल जी, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो ट्रांसमिशन लाइन सोलापुर से होते हुए रायचूर जाएगी उसका आज प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। इन्हीं ट्रांसमिशन लाइनों से एक प्रकार से हम देश को जोड़ते हैं। बिजली की उत्पादन अन्य क्षेत्रों में होती है लेकिन काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिजली पहुंचती नहीं है। हमें भी कई बार बिजली की कमी अपने अपने घर में, अपने खेत में, अपने कारोबार में महसूस करनी पड़ती है। अगर हम देश भर में एक अच्छा ट्रांसमिशन ग्रिड बनाते हैं तो बिजली के उत्पादन के साथ साथ हर कोने में बिजली पहुंचे इसका साधन, इसका माध्यम ये ट्रांसमिशन ग्रिड बनता है। सरकार वचनबद्ध है कि देश में हर कोने तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क मजबूती से जल्द बने और आज का ये कार्यक्रम एक तरीके से उस कार्य की शुरुआत देती है, उस कार्य में एक हमें प्रगति का मार्ग देती है। और मैं विश्वास रखता हूं कि जो सोलापुर में भी उद्योग है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसान का काम हो सोलापुर और उसके आजू बाजू के इलाकों में, इन सब कार्यों में भी बिजली कैसे जल्द से जल्द पूरी मात्रा में, पूरे समय आपके घरों में, आपके कारोबार में पर्याप्त मात्रा में, आपके खेतों में मिले, उसके लिए हम लगे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जैसे जैसे सड़कों से NHAI द्वारा, बाकी उपक्रमों द्वारा सड़कों से देश को जोड़ने का काम जो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से शुरू हुआ था और अभी नितिन गडकरी जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति पकड़ रहा है, उसी गति से हम देश भर में ऊर्जा का भी एक बड़ा जाल फैलाएंगे और देश भर में ऊर्जा हर घर में पहुंचे, 24 घंटे पहुंचे, हर घर में सातों दिन
अच्छी बिजली, सस्ती बिजली पहुंचे, उसके लिए हम काम में लगे हैं। आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं। महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। आज प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए और हमारे काम को बल दिया, हमारे काम को और गति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम जी और मुख्यमंत्री जी, नितिन गडकरी जी, सब हमारे बीच पधारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोलापुर के मेरे भाइयों बहनों, मैं इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा।